ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ के दौराला में पूर्व बसपा विधायक चंद्रवीर सिंह के कोल्ड स्टोर का बॉयलर फट गया, जिससे कोल्ड स्टोर की छत गिर गई। इसके मलबे में 27 मजदूर दब गए, जबकि 7 मजदूरों की मौत हो गई। कोल्ड स्टोर में आपको बता दें कि अमोनिया का रिसाव भी हुआ था, इसकी वजह से कई मजदूर बेहोश हो गए थे। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और दमकल का दस्ता पहुंचा। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हादसे की सूचना पर प्रशासन और पुलिस के आला अफसरों समेत केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। तो कोल्ड स्टोर की छत गिर गई, कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, 7 की मौत हो गई। यूपी के मेरठ से ये जानकारी। अरे ऐसा गिरा गया, छत्र गिरा, लेंटर गिरा, उसमें लेंटर में बड़े मुश्किल करने बाहर निकले थे। कितने लोग थे आप? आप लोग 26। सारे 27 बंदे आए थे सुबह। अच्छा, 3 बंदे बाहर गए थे, 24 बंदे अंदर थे। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ यहाँ पे? सर हम तो खाना खा के सिर्फ बैठे थे, पिट्ठू बना रहे थे अपने के लिए कि कल शाम को काम चालू हो जाएगा। हाँ। तो पिट्ठू बना रहे थे, बैठे काम पे लगे थे, तो ऊपर से अचानक दीवार गिर गई। ब्लास्ट हुआ था यहाँ? नहीं नहीं नहीं, हमको पता नहीं है, सिर्फ दबाव। एक ही धमाका हुआ था सर, एक ही धमाका हुआ। क्या काय की फैक्ट्री है, क्या है ये? ये कोल्ड ड्रिंक स्टोर है। देखिए अभी तो कुछ बता नहीं सकते, चूंकि 9 लोग तो यहाँ बैठे हैं, ठेकेदार गायब हो गया है, 12 लोग यहाँ से निकाले जा चुके हैं। तो अब ये नहीं पता अभी तक, चूंकि जब तक ठेकेदार नहीं मिला कि अंदर कोई और बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है। 12 लोग निकले जा चुके हैं, 9-10 ये ही 22, कोई कह रहा है 26-27, लेकिन अभी से ही नहीं कह सकते कुछ भी। मुख्यमंत्री जी बताया जा रहे हैं पूर्व विधायक चंद्रवीर जी का ये कोल्ड स्टोर था, तो यहाँ क्या हुआ, क्या अभी तक पता चला आपको, क्या घटना हुआ? देखिए भाई, मैं तो तुरंत जैसे ही घटना का पता लगा, मैं तुरंत शायद सबसे पहले पहुँचने वाले लोगों में से मैं ये था। दुर्घटना है ये तो कह नहीं सकते कैसे हुई, ये तो बाद में ही पता लगेगा। नहीं देखिए, जैसा पहले बताया गया था कि कोल्ड स्टोरेज जो है एक दौराला में, उसमें एक इम्पैक्ट ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से मलबा गिरा और जिसमें 27 लोग थे, जिनमें से 7 की डेथ हुई थी। बाकी सभी लोग सुरक्षित थे, उनका इलाज चल भी रहा है। उनमें से 21 लोग को जम्मू कश्मीर के थे, वो टाइप करवा के उनको भिजवा दिया गया, बाकी लोग भी 1 या 2 दिन में चले जाएंगे। थाना दौराला के अंतर्गत एक कोल्ड स्टोरेज में छत गिरी थी, जिसमें कि किस कारण से ये हादसा हुआ, इसकी पूरी जो जाँच है जिलाधिकारी के यहाँ से एक समिति बनी है, उसके द्वारा की जा रही है। इसमें वादी की तरफ से एक मुकदमा 3 लोगों के ऊपर दर्ज किया गया है। इसमें मौके पे जो प्लांट था उसमें जो अमोनिया थी उसको कल निकाल लिया गया है, और आगे जो कार्रवाई है वो संबंधित जो विभाग है उसके द्वारा वर्तमान में की जा रही है, और इसमें नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। अहम बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ एक औद्योगिक क्षेत्र है, कई बार हादसे भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हादसों से सबक लेने को तैयार नहीं है। हादसों के बाद अगली बार तैयारियों के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन मेरठ में ना ही तो कोई स्पेशल वन वार्ड है और ना ही हादसों से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारियां। नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट, मेरठ।